का ये समां, जीने का ये तवां। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। रुखसती के टाइम बेटी को कुछ दे नहीं सका था। अरे भाई, जब बेटी ले ली तो फिर और क्या चाहिए। इससे अपने लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लेना। ताहिरा, वो इतने बुरे लोग नहीं है, अच्छा घराना है उसका। जी वाकई बहुत अच्छा खानदान था। देखा नहीं कितनी आसानी से उस लड़के ने आपका चेक कबूल कर लिया। पहली दफा चेक देकर ना आपने सारी जिंदगी के लिए उसका मुंह खोल दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी में मरियम को मानूर की जगह दोगे? जिंदगी में मानूर की जगह ले चुकी हो। आंखों देखा झूठ नहीं होता आपा, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। क्या क्या कह रही हो शबाना? उसने शादी कर ली है ना? और तुमने ये क्या भाभी भाभी लगाया? मैं भाभी को भाभी नहीं कहूंगा तो क्या ताई कहूंगा? पान बाबा, आप गाड़ी से सामान निकलवा दें। अब अभी निकाल लूंगा। वैसे मुझे जब पता चला कि तुम लोग मेरे घर नहीं ठहरे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि न्यूली मैरिड कपल को थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ही होगी। थैंक यू। ये ना बाबू। ठीक है सर। तुमने चेक डिपॉजिट नहीं करवाया? मैं क्यों करवाता? तुमने लिया था तो कैश भी करवाना चाहिए था। मेरी तरफ देखो, तुम्हें मेरा चेक लेना बुरा लगा? नहीं, पापा की तरफ से गिफ्ट था तुम्हारे लिए। नहीं मरियम, उन्होंने ये रकम जहेज के नाम दिया है, और जहेज लड़कियों को दिया तोहफा होता है। ये चेक तुम्हारा है, चाहो तो रख लो, चाहो तो वापस कर दो, तुम्हारी मर्जी। तो तुमने लिया क्यों? अगर मैं उस वक्त ये चेक ना लेता तो वो समझते कि मैं अपने आप को बहुत ऊंची चीज साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब वो ये समझ रहे होंगे कि तुम लालची हो। हो सकता है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं ये वापस कर दूं या फिर रख लूं? मरियम, खुद को मेरी मर्जी का पाबंद मत करो, अपने फैसले खुद करो। ये लो कॉफी। थैंक यू। मरियम बीबी, वो आज हम लंच में क्या बना? पापा कुछ भी बना ले। सेब लंच पर आएंगे? मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी पसंद का कुछ बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या शौक से खाते हैं, ना ही ये पता है कि घर पे लंच करेंगे या फिर बाहर, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी का बना ले। ठीक है। अब आपको क्या बताऊं खान बाबा, हम तो यहाँ दुनिया को धोखा देने आए हैं, ये शायद खुद को भी धोखा दे रहे हैं। ये तो रोज अपनी शक्ल लेके मेरे पास क्यों आ जाता है? वक्त भी तो गुजारना है ना। वो जो एक अदद हसीना आपके घर पे मौजूद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तू क्या पत्थर का बना हुआ है? अगर मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होती ना तो मैं तो कभी घर से बाहर ही ना निकलता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी मंगेतर इतनी खूबसूरत नहीं है। ओ हेलो, खबरदार जो मेरी मंगेतर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। वो तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आई मीन मुझे लगती है। यार देख, मरियम के साथ ऐसा ना कर, उन दोनों की शादी हुई है, यहाँ हनीमून पे आए हुए,
तू सारा दिन घर से बाहर रहता है और वो सारा दिन घर के अंदर। आई मीन उसे अपनी रफाकत का एहसास दिलाओ यार। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी रफाकत की आदी हो जाए। क्यों, तेरा क्या अब उसे छोड़ने का इरादा? हो सकता है कि वो कभी पछता कर पीछे हटना चाहे। किस कदर कंफ्यूज इंसान हो तुम भाई। देख अवल, तो मरियम ऐसा कभी करेगी नहीं, लेकिन तेरा ये रवैया उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओए, तू कोई वाकई में यही तो नहीं चाहता कि वो तुझे सच में छोड़कर चली जाए? देख शरोज, अगर ऐसा हुआ ना तो उसके साथ तो बुरा होगा ही होगा, तेरे साथ ही बहुत बुरा होगा। तुम दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए इसके बाद और कोई नहीं मिल सकता, ये बात मेरे से लिख के ले ले। बीबी साहब तो सारा दिन घर से बाहर होता है और कभी कभी तो लंच पर भी नहीं आता है। और मरियम बीबी? मरियम बीबी तो सारा दिन टीवी देखते हैं या फिर किताबें पढ़ता रहता है, और कभी कभी तो वो वॉक पर भी चला जाता है। अकेली जाती हैं? जी। उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? बीबी मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा चलें ठीक है, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो प्लीज मुझे कॉल करके बताइएगा। ठीक है बीबी, हम आपको बता देगा। खुदा हाफिज़। ये तनहाई खरीदी है आपकी बेटी ने। मैं कहती थी कि उसका फैसला गलत है, लेकिन तब तो आप खड़े हो गए थे उसे सपोर्ट करने के लिए। कितना ही अच्छा हो जो आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। आपको अपनी बेटी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं? मेरी मोहब्बत ये कहती है कि अपनी बेटी के पीछे ढाल बन के खड़े रहो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। तुम दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए इसके बाद और कोई नहीं मिल सकता, ये बात मेरे से लिख के ले ले। मरियम बीबी, आपने खाना भी नहीं खाया, आप ये दूध तो पी लो। खान बाबा इधर ही रखते। और सुने, आइंदा अगर मामा फोन करें तो मेरे बारे में ज्यादा डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बीबी, उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उनको बता दिया। आइंदा एहतियात कीजिए। ठीक है बीबी, आइंदा के वास्ते हम उनको कुछ नहीं बताएगा। अब आप जाके सो जाएं, साहब आएंगे तो मैं खुद ही उठ के खाना दूंगी। Thank you.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खान बाबा कहाँ हैं? मार्केट तक हैं। तुम रात को बहुत लेट आए थे ना? हाँ, वो गुलरेस के साथ इधर चला गया था, तुम्हारे लिए फूल आया था, लेकिन तुम इंतजार करते करते सो गए। मैं किताब पढ़ रही थी तो पढ़ते भी नींद आ गई। तुम्हारा इंतजार नहीं करती मैं। मैं हरगिज़ एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हो रहा। अच्छे दोस्त भी साबित नहीं हुए थे। एक अच्छा दोस्त कभी भी तन्हा छोड़कर नहीं जाता। तुम कम से कम मेरे इतने तो पास रहो शेरोज कि मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें आवाज दे सकूं। कितना पास? शेरोज मेरी मजबूरी है, मैं अब तुम्हारे अलावा किसी और को आवाज नहीं दे सकती। मरियम, तुम हर मुश्किल वक्त में मुझे आवाज दे सकती हो। मैं कभी भी तुम्हारे हाथ से बाहर नहीं हूं। कॉफी पियो। तुम्हें आज कहीं जाना नहीं था? आज मैं सारे दिन तुम्हारे साथ था। आज इतनी मेहरबानियां किस लिए? तो तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? बुरा भी नहीं लगता। तुम तो यही चाहती थी ना? शेरोज, मैं दुनिया के सामने अब और तमाशा नहीं बनना चाहती। मरियम, तुम दुनिया से इतना डरती क्यों? दुनिया जीने नहीं देती, ताने मार मार के जीना हराम कर देती। डरना छोड़ दो मरियम। मैं तुम्हारे लिए कल रात फूल लाया था, देखे तुमने? हाँ, अच्छे थे। गजरे भी लेना चाहता था लेकिन तुम्हें कभी पहने नहीं देखा। मानूर को ऐसी चीजों का बहुत शौक था, गजरे फूल, कभी कभी पाजेबे भी पहनती थी। खाला उसके लिए लंबे लंबे दुपट्टे बनाती थी और दुपट्टा गिरने पर वो खाला से डांट भी खाती थी। मेरे पास भी ऐसे कपड़े। अच्छा, कभी पहने ही नहीं था? तो मुझे देखते भी हो। गुलरेस को फोन किया? हाँ, मैंने किया। वो आ रहा है। मैं भी शायद आंटी से पूछती हूँ कहाँ पहुंची। सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। Thank you.
मुझे शायस्ता आंटी आ गई। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक। कैसे हो? ठीक हो? एक्चुअली मेरे गेस्ट आ गए थे तो मैं उनको भी साथ ले आई हूँ। आई होप यू वोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। श्योर, आ जाएं आप लोग। अरे मामा पापा, कैसे मेरे बच्चा? बिल्कुल ठीक पापा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसे? बहुत अच्छे। आप दोनों ने तो बताया नहीं कि आप दोनों आने वाले। इसलिए कि मेरा बहुत दिल कर रहा था तुम्हें देखने का, उदास हो रही थी तुम्हारे बगैर। तुम्हारे पापा की एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा इस बहाने तुमसे मिल लूंगी। आपने बहुत अच्छा किया, मरियम भी बहुत उदास हो रही थी। मरियम क्यों उदास हो रही थी? मरियम के उदास होने के दिन तो नहीं है। ये तो मरियम ही बताएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और शहरोज एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मगर मैकी की याद तो आती है ना। तुम्हें पता है जब ताहिरा ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की थी तो मेरे जहन में किसका ख्याल आया था पहले? इट्स हैंडसम का। ये आप ही की बदौलत है कि हम दोनों साथ हैं। सो स्वीट, कितनी अच्छी बातें करते हो। जी एग्जैक्टली, कुछ लोग बातों की तो खाते हैं। भाई अपनी सास की भी तारीफ कर लो, जेलस फील करेंगी। एक्चुअली इनकी तारीफ करने के लिए मुझे अब तक अल्फाज ही नहीं मिले। चले मामा पापा आप दोनों का शुक्र आए, मैं डिनर रेडी करती हूँ। चले पापा ये ले कबाब। बस बेटा। प्लीज एक माशाल्लाह, दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। भाई बच्चों, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी का हुस्न है। ताहिरा तुम खामखा मरियम की वजह से परेशान थी, इन्हें देखकर लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। देखा, मुझे भी यही लगता है। मैं भी यही कहती हूँ, खुदा इन दोनों की शादी आबाद रखे और दोनों इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, जब साथ देने का वादा किया तो आखिरी सांस तक निभाएंगे। माशाल्लाह, मुझे भी यही लगता था। मुझे भी यही लगता है। शहरोज, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वापस जाते ही ज्वाइनिंग। अच्छी बात, मैं तो समझी थी कि अभी तक वजहात के दिए हुए चेक पे गुजारा हो रहा है। इतनी नामुनासिब बात कहने की जरूरत क्या थी? वो भी सबके सामने, वो कोई और नहीं है, दामाद है हमारा। यही तो मसला है, उसके और हमारे खानदान में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? हम किसी और सैयारे से आए हैं। ताहिरा हमारे अकाउंट में चंद लाख ज्यादा होने से हम कोई आला अरफा नहीं हो जाते। जरा अपनी अकल का ताला खोल के सोचो। ये लीजिए, आपकी बेटी साहिबा भी आ गई है मुझे समझाने के लिए। पापा ये अपना चेक वापस ले। शहरोज ने मुझे उसी दिन वापस दे दिया था, कह रहा था कि ये उसका नहीं है, मेरा है। लेकिन बेटा मैंने ये वापस लेने के लिए तो नहीं दिया था। पापा जिस दौलत से मेरे शोहर की बार बार इंसल्ट हो, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। हम इस दौलत के बगैर ही बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहिरा आप तैयारी रखें, कल आप मेरे साथ ही जा रही हैं। हो गई ना गलती, एक बात निकल गई मेरे मुंह से, आप लोग क्यों उसका इशू बना रहे? बस अब इस पे कोई बात नहीं होगी। मामा शायद अब तक मेरे फैसले को तस्लीम नहीं कर सकी, इसी वजह से वो ऐसी बात कह जाती है।
वक्त के साथ सब हमारे रिश्ते को तस्लीम कर लेंगे और शायद हम भी। मरियम, तुमने मुझे माफ कर दिया। हमारी शादी इस बात का सबूत नहीं है क्या? तो फिर वो कर्ज भी माफ कर दो जिसकी वजह से खाला अब तक परेशान है। वो कर्ज मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। अपनी मामा की तरह। मामा को तो ये लगता है कि मैं शुरू से तुमसे मोहब्बत करती थी और जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो सब हमारा ड्रामा था। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? जमान ने बताया। कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारे पापा क्या वो भी ये समझते हैं? हो सकता है। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत करो। क्यों मुमकिन नहीं है? चलो मरियम, तुम मेरे जैसे इंसान के साथ मोहब्बत कैसे कर सकती हो? ये शादी सरासर तुम्हारे लिए मजबूरी थी वरना वरना तुम मेरी तरफ मुड़कर भी ना देखती। मैं अभी मुड़कर नहीं देखती हूँ शरीर। सताती है माजी की परछाइयां, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हमर भी जाए तो ना हो ना तुम हैरान। खान बाबा इतना है तमाम? जी बीबी, वो क्या है कि सेब ने हमको बोला था कि इधर कोई कसर मसर आज नहीं छोड़ना। कोई कमी रह गई है तुम बता दो। अरे नहीं, लेकिन मामा बहुत लाइट नाश्ता करती हैं। हाँ लेकिन है तो हमारी मेहमान ना, अगर कोई कमी रहेगी तो मेरी जानिब से। तुम डरने लगे हो मामा से? मेरी बात सुनो, मैं उनसे डरता नहीं, इज्जत करता हूँ। मरियम सलाम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? मामा वो तो सुबह ही चले गए। चले गए? वो मरियम चाहती है कि आप कुछ दिन यहीं इसके साथ रुक जाएं। मामा आए नाश्ता करें। डैडी तुमने पापा को बनाया? आपकी ख्वाहिश थी, पूरा करना जरूरी था। ये दिया? कोई और हुक्म मेरे लिए? मैंने कितने अरसे के बाद मरियम की हंसी सुनी, वो फिर से मुस्कुराने लगी। तुम दोनों भी तो आओ ना नाश्ते पे। जी खान बाबा। जी बीबी। मामा और शहरुज कहाँ हैं? बीबी वो दोनों तो उधर बाहर लॉन में बैठा हुए। एक ठीक है बीबी।
एक साथ, अल्लाह खैर करे, एक साथ क्यों बैठे? मामा कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे, खामखा घर का माहौल खराब हो जाएगा। खैर, शहरोज संभाल ही लेगा। मैं शहरोज पर इतना एतबार करने लगी हूँ। आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए। एक मुजरमाना जहन रखने वाले शख्स पर मैं कैसे एतबार कर सकती हूँ? जेल से निकलने वाला हर शख्स सादी मुजरिम नहीं होता, और कभी कभी हालात हमसे वो करवाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं। आपका अगर बहुत प्यारा अजीज आपके सामने मर जाए तो उस तो घर बेबसी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारी मंगेतर की डेथ का हम सबको बहुत अफसोस है। वो मरियम की दोस्त भी थी, मगर तुमने मरियम के साथ अच्छा नहीं किया। मैं मरियम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने ही की कोशिश कर रहा हूँ। इतने कर्ज हैं कि शायद मुझे उतारते उतारते समाना लग जाए। और जब कर्ज उतर जाएगा तब क्या करोगे? छोड़ दोगे उसे? आपको एक अच्छा क्यों है? मरियम ज्यादा देर तक तुम्हारी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार नहीं रहेगी। अच्छा तो ये बात थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, अभी से ऐसे अंदाजे मत लगा। यही तो डर है मुझे, मरियम के पछतावों का जब वक्त शुरू होगा उस वक्त तक वापसी का रास्ता खत्म हो जाएगा। मैम, मरियम मेरे घर की मुंडिया पर बैठा एक परिंदा है, उसका दिल चाहे तो रुक जाए, दिल चाहे तो उड़ जाए। मैंने उसे वाकई किसी पिंजरे में कैद नहीं किया, उसके सामने एक खुला आसमान है और वो परवास का हक भी रखती है। तुमने मुझे मामा क्यों नहीं कहा? जिस दिन आप बेटा समझेंगे उस दिन बोल दूंगा। चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। खान बाबा नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं ढूंढ लूँ रेसिपी। तो तुम मुझे बता देती, मैं कुछ ले आता। नहीं, मैं कर लूंगी, बस मुझे रेसिपी मिल जाए। अरे तुम इस रेसिपी को छोड़ो, साइड पे हो, मैं बनाऊंगा। चिकन कढ़ाई का एक्सपर्ट। रहने दो। तुम्हें नहीं पता, हम दोस्त अक्सर मिलकर बनाया करते थे। अगर तुम्हारी मामा को पसंद आया ना, नाम बदल देना मेरा। देखो शहरोज, चिकन सिर्फ इतना ही है, अगर खराब हो जाता है तो फिर दोबारा मार्केट जाके लेकर आना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें मैडम, शेफ शहरोज आपके सामने है। चलो ठीक है, बनाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? हाँ जला बैठी हो तुम? तुम भी ना, रुको एक सेकंड। दिखाओ। आराम से लगाना। अजीब डफर हो, क्या जरूरत थी अगर नहीं आता था यार? ना किया करो ये हरकतें। एक बात कहूँ, अक्सर तुम्हारा अंदाज ऐसा होता है जैसे तुम आनू से बात कर रहे हो। हाँ, वापस कब आओगे? आप उदास हो गई? तुम मिलकर भी तो नहीं गए? खाला बताया तो था कि अचानक इंटरव्यू की कॉल आ गई थी और फिर जॉइनिंग भी थी। पता है, मरियम ने भी कभी कॉल नहीं की। खाला मरियम तो... शहरोज ये चाय ले लो। शहरोज, ये किसकी आवाज है? ये मरियम की आवाज है। मरियम तुम्हारे साथ है? खाला क्या बात कर रही है, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। मेरी कॉलीग है, आपको गलतफहमी हुई है। चले खाला।
अपना ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मम्मी अब्बू को सलाम दीजिएगा। खाला थी क्या कह रही थी? वापसी का पूछ रही थी। तुम भी कभी एक बार कॉल कर दिया करो। बस डर सा लगता है, मगर मैं उसे कभी कोई बात ना निकल जाए। मरियम कभी ना कभी तो ये बात हमें बतानी होगी, और हमारे वापस जाने के बाद ये बात छुपाई नहीं जा सकेगी। खैर, थैंक यू सो मच, तुमने मामा को बहुत मुतमईन कर दिया। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? शाम में ले चलो। ठीक है, मगर अभी चाय तो पी लो। फोन कहाँ रख दिया है इन्होंने? सारे में ढूंढ रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? मैं ढूंढ दूँ? तो हाथ में क्या है? इधर दो। होश नहीं रहता ना तुम्हें किसी बात का? पता है उन्हें शेरों से बात करनी है। क्या हो, खैरियत है? अब पता नहीं किस बात पे अटकी हुई है। कर वो मरियम नहीं थी तो उसकी आवाज मरियम जैसी क्यों थी? सताती है माजी की परछाइयां, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हमर भी जाए तो ना हो ना तुम हैरान। जमान, हैव अ लुक, लवली कपल माशाल्लाह से। अभी पोस्ट किए इन लोगों ने, डोंट दे लुक लवली टुगेदर? आई थिंक दे डू। हेलो। हाँ जमान, क्यों फोन किया? आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र है क्या? नहीं, मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश और मुतमईन है। तुम्हें क्या तकलीफ है? वो मुझे ही तकलीफ पहुंचाने के लिए मरियम से शादी की है। वो मरियम को मारकर मुझसे बदला लेना चाहता है। आपने उसी के रहमो करम पे मरियम को छोड़ दिया? कैसी माँ है? वो मरियम को मार देगा और एक्सीडेंट का नाम दे देगा। उसका बदला पूरा होगा और आप लोग रोते रह जाएंगे। खान बाबा, खान बाबा। जी बीबी जी। मरियम बीबी कहाँ? मरियम बीबी तो सैफ के साथ गया। कहाँ गई? ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ वो सैफ कह रहा था कि हम मरियम बीबी को आज ऐसी जगह दिखाएगा जो उसने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा है। वो मरियम को मारकर मुझसे बदला लेना चाहता है। वो मरियम को मार देगा और एक्सीडेंट का नाम दे देगा। या अल्लाह रहम, हम कैसे ऐसे बेखबर रह गए? कैसे हमने उस पर एतबार कर लिया? बीबी जी, सब खैर तो है ना? वो आप किसी को भेजें, मरियम बीबी का पता करें कहाँ गई है। ठीक है बीबी जी, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। जल्दी करें, जल्दी करें। भेजता हूँ।
यादों का ये सामान, जीने का ये तवा।